नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आज कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम मूल रूप से लोक भवन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जनपद कानपुर नगर में भी योजना का शुभारंभ प्रदेश की उच्च शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि कोविड के दौरान जिन बच्चों के माता पिता या संरक्षकों अभिभावकों की मृत्यु हो गई है, ऐसे निराश्रित बच्चों के संरक्षण व कल्याण के लिए राज्य सरकारें कोई योजना बनाए। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मुख्यमंत्री ने अमली जामा पहनाकर लागू किया है। निराश्रित बच्चों को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जाएंगे तथा उनके 18 साल के होने तक सरकार उनकी देखभाल भी करेगी। आज प्रदेश के 4,000 से अधिक निराश्रित बच्चों के खाते में पहले 3 माह की 12,000 रुपये की धनराशि भेजी गई है। निराश्रित बेटियों को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनकी शादी के लिए 1,01,000 की धनराशि दी जाएगी तथा प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े बच्चों को लैपटॉप टैबलेट दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर जनपद के निराश्रित 28 लाभार्थियों बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा इस ओर पूरे देश के राज्यों की ओर थी कि जो इस कोविड के दौरान मार्च के बाद से जिनके बच्चों के साथ ये परिस्थिति बन गई कि माता पिता या दोनों में से या ना हो या परिवार में जिनके संरक्षण में बच्चे हों, जो उनके अभिभावक को उनके माने निराश्रित जो बच्चे हो गए हैं उनके लिए कोई योजना राज्य की सरकारें बनाएं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश के अंदर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना को अमली जामा पहनाया है। आज माननीय राज्यपाल महोदया के माध्यम से 4,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बच्चों को सीधे पहले 3 माह की जो राशि 12,000 रुपये है सीधे माने उनके अकाउंट में RTGS के माध्यम से आज पहुंची है। न सिर्फ प्रत्येक महीने ऐसे बच्चों के लिए 4,000 रुपये हैं बल्कि जो बेटियां हैं उनके जो एक शादी की एक चिंता जुड़ती है उसके लिए भी 1,01,000 रुपये की राशि ऐसी बेटियों के लिए तय करी। और जो प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए 18 साल से कम के ज़्यादा के बच्चे थे उनको लैपटॉप और टैबलेट देने के साथ साथ बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी ने आज इस मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से दिया है। माननीय जी ने जो माननीय राज्यपाल जी ने जो समाज की ओर भी उत्तर प्रदेश के एक प्रेरणा की बात कही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था योजनाएं उस ओर अमली जामा पहना ही रही है। चाहे वो श्रमिकों को लेकर संवेदना से जुड़ी हुई बात हो, जो प्रवासी श्रमिक जगह जगह जा रहे थे, इसी कानपुर के अंदर हमने बहुत सारे स्थानों पर देखा है कैसे कैंप्स लगाकर उनकी सेवा का कार्यक्रम हुआ, कैसे हमारे प्रशासन ने स्किल मैपिंग के माध्यम से जो जिसकी क्षमता योग्यता थी उसके अनुरूप यथा योग्य उसको काम मिले और इस स्किल मैपिंग के माध्यम से वो रोजगार की उपलब्धता भी ऐसे असहाय लोगों के साथ जुड़ी है। तो जैसे जैसे ये कठिनाई परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता के साथ पूरी संवेदना के साथ लोगों के साथ जुड़ती दिखाई दे रही है। खबर समय जगत के लिए कानपुर से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।